हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की सिक्स क्लास की बुक हनी सकल के बारे में। हनी सकल के बुक में क्या क्या सिलेबस है वो सारा आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे। हनी सकल बुक है सिक्स क्लास की, ये इंग्लिश की बुक है, टेक्स्ट बुक है और ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका कंटेंट्स यानी कि इसका पूरा सिलेबस क्या गया है इस बुक में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स दिखने को मिलेंगे आपको। तो ये किस टाइप से दिया गया है, हर एक जो 10 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के बाद में आप पोइम देखोगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बाद में एक पोइम है, यानी कि 10 पोइम चैप्टर्स हैं और 10 ही आपको पोइम्स मिलेंगे। 10th के बाद नहीं है, यानी कि 9 पोइम्स हैं आपकी। तो नंबर 1 पे है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो ये एक चैप्टर है। देन उसके बाद अ हाउस अ होम, ये एक पोइम है। नेक्स्ट है हाउ डिड द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, देन द काइट, ये एक पोइम है। नंबर थर्ड पे जो थर्ड चैप्टर है टैरूज रिवार्ड, देन है द क्वेरल, ये एक पोइम है। नंबर 4 पे एन इंडियन अमेरिकन वूमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, ये एक लेसन है, चैप्टर है। देन ब्यूटी, एक पोइम है। तो नंबर 5 पे है अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल, ये चैप्टर है। देन वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये एक पोइम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 6 पे है हु आई एम, ये एक चैप्टर है। द वंडरफुल वर्ड्स, दिस इज अ पोइम। नंबर 7 पे फेयर प्ले, ये इसके बाद कोई पोइम नहीं है। देन है नंबर 8 पे अ गेम ऑफ चांस, और वकेशन है जो, ये एक पोइम है। और है द डेजर्ट एनिमल्स, और ये एक चैप्टर है। उसके बाद है व्हाट इफ, ये एक पोइम है। लास्ट चैप्टर है इस हनी सकल की सिक्स क्लास की बुक का द बनियन ट्री। ये है चैप्टर्स, ये है सिलेबस ऑफ सिक्स क्लास बुक हनी सकल। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।